गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी आर्या और आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ बायोटिक बायोडिंडेलियन विजिबल एजलेस सीरम का। और यह है फॉर ऑल स्किन टाइप और जो इसका प्राइस है वो है 230 रुपीज़ फॉर 40 ml ऑफ द प्रोडक्ट। और ये आपको अमेजन वगैरह पर हमेशा डिस्काउंट पर मिलता रहता है और ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है बायोटिक का। आप जानते हैं बायोटिक एकदम नेचुरल प्रोडक्ट बनाते हैं, नो पैराबिन सल्फेट, नो एनिमल टेस्टेड, और ये फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जो नेचुरल प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस आ रही होती वही ये डालते हैं, कोई भी हार्मफुल केमिकल ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो सीरम है वो कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आता है। बायोटिक की अपनी एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है व्हाइट एंड ग्रीन कलर की, उसी तरीके की पैकेजिंग के साथ आता है। और इसके अंदर डंडेलियन डाला गया है जो एक अर्ब है और ये स्किन को एजलेस वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज आ जाती है स्किन के अंदर, लाइक फाइन लाइन्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, चेहरे पर जो सैगनेस आ जाती है, पोर्स बड़े हो जाते हैं, वो सारी जो चीज़ें हो जाती है उन सभी से ये जो डंडेलियन है वो निजात दिलाता है। और भी बहुत सारे अर्ब इसके अंदर डाले गए हैं। कैसे आपको इसको अप्लाई करना है वो सारी स्टेप इसके अंदर दिखाए गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा दिखता है, फिर इसके सारे डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ इतनी बड़ी क्वांटिटी आपको मिलती है और जैसे कि बायोटिक की पैकेजिंग होती है वही पैकेजिंग इसकी भी है। और ये कुछ इस तरीके से खुलता है यहाँ पर। बकायदा इसके अंदर कोई लिड नहीं है, कोई पंप नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट ऐसे करके निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो निकल जाता है जब आप इसको निकालते हैं। तो बेसिकली जब आप इसको झड़काएंगे यानी ऐसे ऐसे करेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा, या फिर आपको इसको ऐसे स्क्वीज करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है इस पैकेजिंग के साथ, तो बायोटिक वालों को एटलीस्ट इसकी पैकेजिंग पर थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल 40 ml ही क्वांटिटी मिल रही है और ऐसे झड़का झड़का के हम निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। सीरम अपने आप में बहुत कम यूज़ होता है, लाइक 1 to 2 drop बहुत होता है नेक और फेस के लिए, क्योंकि वो हमारी स्किन की हीट से भी बहुत ज़्यादा फैलता है, पेनिट्रेट होता है, तो बहुत ही कम अमाउंट लगती है सीरम की। और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है इस पैकेजिंग के साथ। तो पैकेजिंग के मामले में मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट एक्चुअल जो इसके अंदर प्रोडक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एकदम वैसे तो इसको ड्राई स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते, अगर ड्राई स्किन वाले यूज़ करते तो उनको मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फॉर ऑयली स्किन वाले और एक्ने प्रोन स्किन वाले जब इसको लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी थोड़ी सी अमाउंट इसकी लगती है और बहुत अच्छी से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, लग जाता है। टाइटनेस फील होती है आपको लगाते के साथ ही, और एकदम ड्राइनेस फील नहीं होती, लाइक आपको ऐसा फील नहीं होगा कि खिंचावट है लेकिन टाइटनेस फील होगी। और दूसरी बात ये कि स्किन के ऊपर ये बिल्कुल ऑयलीनेस नहीं छोड़ता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इसको गर्मी सर्दी दोनों टाइम में यूज कर सकते हैं। लगाने का तरीका क्या होता है, फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद अगर आप टोनर लगाते हो तो आप टोनर लगा लीजिए एंड देन आप सीरम लगाइए, उसके बाद अपना कोई सा भी मॉइस्चराइजर या डे क्रीम लगा सकते हैं। और अगर टाइम की बात करें तो ये 2 हफ्तों से मैं इसको यूज करी, 2 से 3 हफ्ते मुझे हो गए इसको यूज करते हुए। और ये टाइटनिंग करता है, पोर्स टाइट करता है, स्किन के ऊपर आपको हल्का फुल्का ग्लो देखने को मिलेगा। अगर फाइन लाइन्स की जहां तक बात की जाए तो वो अभी मैं उस नतीजे पर नहीं पहुंची हूं कि फाइन लाइन्स को कितना ठीक करता है कितना नहीं, बट हाँ टाइटन आपकी स्किन को कर देगा, आपको एकदम फर्मनेस महसूस होगी अपनी स्किन के ऊपर, ऐसा लूज लूज आपको स्किन महसूस नहीं होगी, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा इसको लगाने के बाद। अगर बात स्किन में स्मेल की करूँ तो ये आपको थोड़ी सी ओवर पावरिंग लग सकती है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल कुछ एक्चुअली आर्टिफिशियल कुछ डाला नहीं गया है, नेचुरल जो इसकी स्मेल आ रही है, जो फ्रेग्रेंस इसकी आ रही है वही आपको सूंघने को मिलेगी। तो ये ऐसा आपको बाम जैसा महकेगा, लाइक आपके झंडू बाम या आयोडेक्स टाइगर बाम जैसा कुछ होता है वो सारे एकदम ये बाम की तरह महकता है। तो स्मेल जिनको पसंद नहीं आती वो, बट एक्चुअली काम भी बहुत अच्छा करता है प्रोडक्ट। फाइन लाइन्स के ऊपर आई थिंक थोड़ा सा लॉन्गर मुझको देखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा काम करता है, क्योंकि स्माइल लाइन्स भी होती है फाइन लाइन्स के अलावा, किसी को आंखों के पास रिंकल्स भी होते हैं, थोड़ी बहुत सैगिनेस भी होती है, उन सब पर भी ये काम करने का दावा करता है। तो एटलीस्ट ये लंबे टाइम में, और सीरम बेसिकली बहुत महंगे आते हैं, कोई भी सीरम इतना सस्ता नहीं होता। अगर आप ब्राइटनिंग की बात करें या फाइन लाइन्स की बात करें तो इन सभी के लिए जो सीरम होते हैं एक बहुत ही, अगर आप 25 के ऊपर चले गए तो सीरम को एकदम बिल्कुल आपको शामिल करना चाहिए। और शामिल लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि सीरम बहुत महंगा भी आता है, बट बायोटिक एकदम नेचुरल प्रोडक्ट के साथ साथ इसने बहुत ही सस्ता ही सीरम बना दिया है। पैकेजिंग के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं दें तो एक्चुअल जो इसके अंदर प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है प्रोडक्ट। अगर आप इसको ट्राई देना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप बिल्कुल एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ये था मेरा पूरा रिव्यू, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट चाहिए रिव्यू के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।